गाइज, अगर आप भी हमारी तरह राशिद खान को पूरी दुनिया का सबसे अच्छा स्पिन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जोर देखिएगा। दोस्तों, आज ग्रुप वन में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच एक इम्पॉर्टेंट मैच खेला गया। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो वाला मैच था। आज का यह मैच ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में जीतना ही जीतना था, वो भी 70 प्लस मार्जिन से जीतना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस करो या मरो के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को सिर्फ 4 रनों से हरा पाया। जानते हैं इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था राशिद खान। राशिद खान जो कि एक सिर्फ पेवर गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विस्फोटक बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया से उसकी एक तरह से जीत ही छीन लिए थे। जिस तरह से राशिद खान लास्ट के 3 ओवर में बैटिंग किए हैं, दोस्तों आज के मैच में राशिद खान ने पूरे दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक बार फिर से राशिद खान ही सब जगह नज़र आ रहे हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि राशिद खान ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप के रेस से पूरी तरह से बाहर कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो मेन गेंदबाज हैं, जोस हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए और केन रिचर्डसन हो गए, जंपा हो गए, ये सब विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, और लेकिन राशिद खान के सामने ये सब बेबस नज़र आ रहे थे। लास्ट के दोस्तों लास्ट के 3 ओवर में अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए 55 रनों की ज़रूरत थी। सिर्फ 18 गेंदों पर 55 रनों की ज़रूरत थी और अफगानिस्तान के 6 बैट्समैन आउट हो चुके थे। मेन बैट्समैन आउट हो चुके थे अफगानिस्तान के, दोस्तों मोहम्मद नबी से लेकर के गुरबाज से लेकर इब्राहिम जदरान से लेकर गुलबैन नदीन से लेकर सभी आउट हो चुके थे। फिर क्रीज पर आते हैं, एंट्री होती है दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज करामात खान के नाम से मशहूर राशिद खान की। राशिद खान आते ही ग्राउंड पर चौके छक्के, इतने चौके छक्के लगाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले सब परेशान हो जाते हैं, आखिर यह गेंदबाज होकर इतना क्यों मार रहा है। और ऑस्ट्रेलिया से वो एक तरह से जीत ही छीन लिए थे। दोस्तों एक ओवर ऐसा एडम जंपा का था जहां से ऑस्ट्रेलिया वापसी की थी, उस ओवर में ही अफगानिस्तान के 3 विकेट गिर गए थे। वहां से ऑस्ट्रेलिया मैच अपने तरफ पूरा पलट लिया था। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया को यह मैच आसानी से जीतने नहीं दिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी और 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से 6 चौके तो वहीं पर 2 छक्के भी निकले थे और मिचेल मार्स ने भी 45 रनों का योगदान दिया था। दोस्तों बाकी कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन अफगानिस्तान के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया। अफगानिस्तान की तरफ से नवीन उलहक ने 3 विकेट लिए तो वहीं फजल हक फारूकी को 2 विकेट मिला तो राशिद खान को 1 विकेट मिला। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में सिर्फ 168 रन ही बना पाई। अब ऑस्ट्रेलिया ने यह सोचा था कि आज के इस मैच में कम से कम हम लोग 220 रन बनाएंगे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पहले ही ओवर से सब बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 269 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की भी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा खराब रही। अफगानिस्तान के ओपनर बैट्समैन उस्मान गनी जल्दी ही आउट हो गए सिर्फ 2 रन बनाकर, लेकिन एक तरफ गुरबाज चौके छक्के लगाते गए। उन्होंने भी 17 गेंदों पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान गुरबाज के बल्ले से 2 छक्के भी निकले। उसके बाद इब्राहिम जदरान ने भी काफ़ी छोटी लेकिन अच्छी इनिंग खेली। मोहम्मद नबी ने इस मैच में निराश किया। उसके बाद 1 ही 2 ओवर में पूरा मैच का पासा ही पड़ जाता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पूरा मैच चला जाता है, लेकिन लास्ट में राशिद खान ने जिस तरह से मैच में वापसी कराई अफगानिस्तान को, सिर्फ 23 गेंदों पर दोस्तों 48 रनों की नाबाद पारी राशिद खान ने खेली है, लेकिन अपनी टीम को तो जिता नहीं पाए लेकिन सबका दिल जरूर जीत लिया है। 4 रनों से अफगानिस्तान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक तरह से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का सपना तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया यह मैच कम से कम 70 रनों से जीतना चाहती थी तभी वो सेमीफाइनल में पहुँच सकती थी। तो अब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से निर्भर हो गई है श्रीलंका के ऊपर। आज श्रीलंका इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप में ग्रुप वन में। आज के मैच में अगर श्रीलंका इंग्लैंड को हरा देगी तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 7 पॉइंट है और न्यूजीलैंड के भी 7 पॉइंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो नेट रन रेट है निगेटिव है, न्यूजीलैंड का पॉजिटिव है 5 पॉइंट करके है, और इंग्लैंड का जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव है। अगर आज के मैच में इंग्लैंड श्रीलंका को किसी भी तरह से हरा देती है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों मेजबान है। ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप का पूरा ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया अगर सेमीफाइनल नहीं पहुँचती है तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? उसका रीज़न अफगानिस्तान है, उसका रीज़न राशिद खान है। राशिद खान की आज शानदार बैटिंग बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 रनों से मैच जीत पाया। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिए। इस चैनल पर सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।